पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप भले ही बैरिस्टर हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपसे इतिहास की थोड़ी बहुत भूल हो चुकी है। आप क्या बताना चाहते हैं इस देश के मुसलमान को? भैया इस देश का मुसलमान प्रधानमंत्री से भी बड़ी पोस्ट, जिसको भारत देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, राष्ट्रपति रहे हैं इस देश के मुसलमान। चाहे मुसलमान नहीं, वो भारत देश के नागरिक थे। मुसलमान कोई बाद में है, वो पहले भारत देश का नागरिक है, और वो भारत देश का नागरिक होते हुए उसे बहुत गर्व है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, चाहे फिर वो आपका फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हो। दूसरी बात ये कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया है, उन्होंने बोला है कि मैं एक बुरखे वाली को जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कि आप थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा, और वो थोड़ा सा पीछे 1980 के दशक में लेकर जाऊंगा, जब आपको याद होगा कि सैयदा अनवर तैमूर जो है, जो कि असम के अंदर मुख्यमंत्री रही थी, आपको ये याद होगा कि 1980 में 1980 के दशक में वो असम से मुख्यमंत्री रही। तो आप इस प्रकार की बात कहना और ये बात को कि कहकर कि क्या कहते हैं मुसलमान को इस देश में नहीं, भाई मुसलमान इस देश के अंदर राष्ट्रपति भी रहा है, मुख्यमंत्री भी रहा है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा है, और आप खुद मुसलमान हैं। भाई आप तो खुद मुसलमान हैं, और आप खुद भी जो है जगह जगह चुनाव भी लड़ते हैं, जगह जगह चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन कहीं पर भी मुसलमानों की जो हक की बात है आपकी पार्टी के अंदर, और आप जो ये बात कर रहे हैं कि बुरखे वाली महिला बनेगी, क्या आप अपनी पार्टी से हिंदुओं को टिकट देकर नहीं लड़ाते हैं? जरा इस बात की बात करिए। तो आप इस देश में प्रेम भाईचारे और एकता की बात करिए, ये मत बताइए कि बुरखे वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। सब बनेंगे, जिसका हक है, जिसका राइट है, वो बनेगा, वो आपसे पूछकर नहीं बनेगा कोई भी। जो बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं, वहीं पे जब भारत में एक बात होती है तो वो फिर कोई बोलता सर मुंडवा लेंगे, कोई बोलते खाना छोड़ देंगे। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि आज जो है अल्पसंख्यक को जिस प्रकार से वो है प्रधानमंत्री वहां पर वो बने हैं, आप सभी को पता है, लेकिन जब यहाँ बात हाथरस की बेटी की होती है तो बहुत सारे लोग तो उन्हें हिंदू मानने से भी इनकार कर देते हैं। मैं हाथरस के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक परिवार की बेटी के साथ बलात्कार होता है, मैं स्वयं उनके परिवार के घर पर गया था, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि बीजेपी का कोई भी नेता वहां नहीं जाता है, क्योंकि योगी जी की सरकार में वहां पर ये इस प्रकार की घटनाएं होती है। जब आप देखते हैं कि इस देश के अंदर एक व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता, तब तो आप नहीं बोलते हैं, तब तो आपके मुंह पर ताले लग जाते हैं, आपके होंठ छिल जाते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर दलित हो, आदिवासी हो या सिख हो, जो तमाम लोग हैं, इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में इस देश के अंदर ये जो जातिगत प्रथा है, ये जातिगत प्रथा पहले बनाई गई थी सिर्फ जो कर्म के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन इस जातिगत प्रथा के चलते कहीं ना कहीं आज भारत देश के अंदर जो है वो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, हिंदुओं को भी कई भागों में विभाजित कर दिया गया है। अगर आप मुसलमान को देखेंगे तो शिया, सुन्नी, वहां भी इनके नाम पर उनको विभाजित कर दिया गया, शेख, सैयद, पठान, इनके नाम पर बांट दिया गया है। ऊपर वाले ने ऊपर से सिर्फ एक इंसान को उतारा था, इंसान ने उसको इतने भागों में बांट दिया, पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर बांटा, फिर उसके बाद में हिंदुओं में भी उसको बांट दिया गया, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। जबकि मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति दिवाली मनाता है, होली मनाता है, माँ काली की पूजा करता है, वो सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध को मानता है, वो सभी लोग हिंदू हैं, और जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शेख हो, चाहे सैयद हो, चाहे पठान हो, वो सारे लोग मुसलमान हैं। बल्कि ना तो हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हमारी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी और एक ही प्रमाण है, और वो है भारतीय के तौर पर। हमें अपने आप पर गर्व है, मैं बहुत सीना चौड़ा करके कहता हूं, और मैं सबसे पहले इस धरती माँ को प्रणाम करता हूं, और मैं ईश्वर से यही कहता हूं कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा तभी मुझे इस भारत जैसी मुल्क की इस मिट्टी में जन्म मिला, जो मुल्क की मिट्टी ने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा, जिस देश की मिट्टी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिस देश की मिट्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोगों को पैदा किया, जिस देश की मिट्टी ने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे देश के लीडर्स को पैदा किया, जिस देश की मिट्टी ने महाराणा प्रताप से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं को पैदा किया, तो ये देश की मिट्टी इतनी प्रभावशाली मिट्टी है। इस देश की मिट्टी ने आपको हर एक चीज दी, आपको नाम, धन, दौलत, शौहरत सब कुछ दी। तो मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं।
मैं कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं। मैं छाती चौड़ी करके कहता हूं कि आई प्राउड टू बी इंडियन। मुझे अपने भारतीय होने पे गर्व है और मुझे अपने हिंदू होने पे, ब्राह्मण होने पे, शूद्र होने पे, वैश्य होने पे, क्षत्रिय होने से बड़ा गर्व मुझे अपने आप को भारतीय कहते होता है जब मैं अपने तिरंगे के सामने अपने तिरंगे को सैल्यूट करके कहता हूं कि आई प्राउड टू बी इंडियन। मेरी छाती चौड़ी हो जाती है क्योंकि मेरे लिए सबसे गर्व की बात है कि मैं भारत देश के अंदर जन्म लिया। ओवैसी साहब बुरके वाले महिला को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर उनकी पार्टी में सम्मानजनक पद की बात करें तो कोई भी महिला खास करने दिखाई देती है। तो मैं आपको भाई तो बता रहा हूँ, सब जितने भी आपके, चाहे मोदी जी क्यों ना हो, जितने भी तमाम लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आज अगर ये लोग दलितों को या फिर आदिवासियों को या फिर जितने भी तमाम अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अगर ये पोस्टें देने का काम करते हैं तो उसके पीछे इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो ये होता है कि ये आदिवासियों को चेहरा बनाकर, अल्पसंख्यकों को चेहरा बनाकर, दलितों को चेहरा बनाकर उनका वोट बटोर सकें। वरना आज तक आप मुझे ये बता दीजिए कि उनको सुविधा क्या दी है बीजेपी ने, जरा ये तो बता दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के अल्पसंख्यकों को अब तक कोई सुविधा दी गई है, जरा ये बताइए आप मुझे। कोई सुविधा हो तो बताइए, कोई सुविधा नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने ही लोग जो हैं अब तक इस देश के अंदर जो कि सीवर की सफाई के दौरान मर जाते हैं या तमाम जगह सफाई के दौरान मर जाते हैं, जहरीली गैस से मर जाते हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं होती। आपने देखा होगा कि हाल ही में, आपको याद होगा कि एक वो कूड़े के ढेर में जो है कूड़े उठाने वाले ने वो मोदी जी की पोस्टर्स को जब डाल दिया था या योगी जी के पोस्टर्स को, तब कितना बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। तो जब अल्पसंख्यकों के ऊपर संकट मंडराता है तो बीजेपी लापता नजर आती है, लेकिन अगर कहीं पर अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन जाए तो वहां पर वाहवाही बटोरने से बीजेपी पीछे नहीं हटती है। लेकिन देखना यह होगा कि पहली बात तो ये कि आप तो बीफ खाने वाले को मानते ही नहीं कि वो हिंदू है, ठीक है, तो अब कैसे मान लिया आपने, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात क्या है, बीजेपी का कोई भी अपना स्टैंड नहीं है। बीजेपी ऐसी है, कोई एक इस प्रकार की पार्टी है, एक धोबी के कुत्ते के तौर पे, जो ना घर के हैं ना घाट के हैं, ये कहीं भी किसी भी तरीके से लुढ़क जाते हैं। कल तक आपने देखा होगा, और मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं, आपको पता होगा कि एक जगह जहां पर विधायकों की खरीद फरोख अभी करी जा रही थी सरकार गिराने के लिए, आपको पता होगा जी, तेलंगाना के अंदर आपको पता होगा कि वहां पर सरकार गिराई जा रही थी, नेताओं की खरीद फरोख का धंधा जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चला वैसे वहां पर भी चल रहा था। तो देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर नहीं, रोजगार, एजुकेशन और डेवलपमेंट के नाम पर वोट दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।